नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो यहाँ पे जो आपकी 2021 में यूपीएससी के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी, इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में और इसका जो फाइनल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बारे में आप सभी को यहाँ पे अपडेट देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए और उससे जुड़ी हर जानकारी आप सभी को क्लियर हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी और भी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो आप टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। इसका जो ईयरली पास होगा केवल और केवल आपको 299 रुपये में मिल जाता है। अगर आप हमारा कूपन कोड DREAM10 अगर यहाँ पे यूज़ करते हैं तो ये केवल आपको 279 रुपये में मिल जाता है। साथ ही मैं आप सभी को बता दूँ कि इसके बहुत बड़े बेनिफिट हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप यूपीएससी के साथ साथ इंडिया में जितने बार एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर फ्री में यूज़ कर सकते हैं केवल एक ही पास के साथ। तो फटाफट से जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप सभी को लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद फटाफट से इसका ईयरली पास जरूर परचेस कर लें जो कि आपको 299 फिलहाल जुलाई मेगा सेल में आप सभी को केवल और केवल 269 रुपये में यहाँ पे मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फटाफट से आप जाके परचेस कर लेंगे। मैं आप सभी को पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि खुद मैंने इसका एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं आप सभी को इस चीज़ को सजेस्ट कर रहा हूँ। तो फटाफट से वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दें और फटाफट से इसका ईयरली पास परचेस कर लें। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जो आपकी एग्जाम डेट को लेकर है, एक चीज़ आपकी पहले से ही क्लियर हो चुकी है और आई होप आप सभी को पता होगा कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट का मंथ लगभग सभी को पता है कि सभी को क्लियर है कि अक्टूबर में जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। अब एग्ज़ाम को लेके बहुत सारे लोगों को ये है कि एग्ज़ाम 100% कब तक होगा, तो देखिए अक्टूबर मंथ आपका 100% ही है। अब आप अक्टूबर में मान सकते हैं कि फर्स्ट वीक से लेके आपका सेकेंड वीक तक आपका कभी भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा जो मुझे लगता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपको ये नहीं देखना है क्योंकि एग्ज़ाम अगर 4 दिन पहले होता है तो 4 दिन बाद में होता है तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आप अपने एग्ज़ाम डेट को, मैं समझ के मानता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम डेट को 10 अक्टूबर मान के चलिए कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए कि 10 अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो दिसंबर तक इसका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाना है। इस चीज़ में 1% भी डाउट नहीं है क्योंकि आप सभी को पता है कि 2022 में इसके इलेक्शन होने हैं और विधानसभा इलेक्शन से पहले जब भी आचार संहिता से पहले ही इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट को जारी किया जाएगा। क्योंकि इस चीज़ का भी जो गवर्नमेंट है क्रेडिट लेना चाहेगी। डेफिनेटली कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर अपने टाइम में कोई काम स्टार्ट कराना चाहती है तो वो गवर्नमेंट चाहेगी कि उस एग्ज़ाम को या उस काम को हम ही फिनिश करा दें। इसीलिए जो आपका एग्ज़ाम होगा अक्टूबर में कंडक्ट होगा इसका रिटर्न एग्जामिनेशन, और फाइनल जो इसका रिजल्ट होगा वो दिसंबर में अनाउंस हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन किया जाएगा और ऑनलाइन में रिजल्ट जारी करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो इसलिए इसका जो एग्ज़ाम का रिजल्ट होगा वो बहुत ही जल्दी जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप यूपी में जितने यूपी पुलिस विभाग में जो भी वैकेंसी आती हैं और उनका एग्ज़ाम होने के बाद एक चीज़ आपने कॉमन देखी होगी, यहाँ केवल 2 चीज़ों में टाइम लगता है। पहला टाइम होता है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होने में, यानी एग्ज़ाम होने में समय लग जाता है, कभी कभी 2 महीने 4 महीने भी चले जाते हैं, 5-6 महीने साल भर तक चली जाती थी। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे लास्ट जो भी 41520 हुई है, 49568 दो भर्तियाँ हुई हैं उनमें आप देखेंगे 3 से 4 महीने का समय लगा एग्ज़ाम होने में। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा और अक्टूबर में आपका डेफिनेटली आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा दिया जाएगा। एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिएगा, यूपी पुलिस में कोई भी अगर भर्ती होगी तो उसका जैसे ही रिटर्न एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद 10 से 15 दिन के अंदर ही आपका जो DVPST वाला काम होता है वो स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी तो विद इन वीक भी स्टार्ट हुआ है कि DVPST उसके तुरंत बाद हो जाते हैं और उसके 2-2 दिन बाद तक लोगों की रनिंग करवाई गई हैं। तो इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये चीज़ें इतनी फास्ट भी हो सकती हैं। इसलिए मैं आप सभी को एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपने रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और उसे अच्छे तरीके से करिए, लेकिन आपको अपने रिटर्न एग्जामिनेशन के साथ साथ अपने फिजिकल का भी ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आपने रिटर्न एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिया और फिजिकल आप क्वालिफाई ना कर पाएँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि बोलेंगे फिजिकल पास करना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन देखिए
फिजिकल में फेल होते हैं, आप भी जानते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि कभी रनिंग करने गए ही नहीं है, कभी उन्होंने रनिंग की नहीं है, तो उनके लिए डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ अपने फिजिकल पे भी थोड़ा बहुत फोकस करके चलें। ज़्यादा टाइम ना दें लेकिन इतना ज़रूर दें कि ताकि आपको जब 5 किलोमीटर आपसे रनिंग करवाई जाए तो आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। और उम्मीद करता हूँ इन सारी चीज़ों को ही आप समझते हुए चलेंगे, क्योंकि आपकी जो भर्ती की वो जितनी बार प्रक्रिया होगी लगभग नवंबर लास्ट तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में ख़त्म कर दी जाएगी, और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट होगा बहुत ही जल्दी कर दिया जाएगा और आप सभी को बता दिया जाएगा। दूसरी बात, आप सभी जानते हैं कि 20 अगस्त को आपका UBSSC PET का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया जाना है, जो कि अनएक्सपेक्टेड बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये बहुत लेट होगा, लेकिन बहुत ही जल्दी इसकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर की गई और उसके बाद इसकी जो डेट है वो भी फिक्स कर दी गई। इसी तरीके से आपने देखा होगा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि UPSI के एग्ज़ाम अक्टूबर में कंडक्ट करवाया जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि लगभग जुलाई के लास्ट तक आते आते आपकी जो एग्ज़ाम डेट होगी वो भी क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद जो भी सारी चीज़ें मैंने आप सभी को बताई हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को शुरू रखेंगे, जारी रखेंगे, और उसके साथ ही अपने रिटन एग्जामिनेशन को भी देखेंगे, साथ में अपने फिजिकल पे भी फोकस करते चलेंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि आपके पास जो भी UPSI का सपना संजोए हुए हैं उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अपनी प्रॉपर तैयारी करेंगे और रिटन एग्जामिनेशन के साथ फिजिकल या जो भी आपकी अन्य चीज़ें हैं उसके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।